नागपुर बेलतरोड़ी इलाके में चेन स्नैचिंग और बाइक चोरी करने वालों को पुलिस ने पकड़ा है। चोर के पास से तकरीबन 6,51,000 का माल पुलिस ने जब्त किया। चोर रामकृष्ण नगर निवासी 35 वर्षीय आकाश फुलचंद इरपाते है। मामला सामने तब आया जब 11 अगस्त की शाम को श्याम नगर निवासी अनीता जाड़े अमृत लॉन के सामने से जाते समय पीछे से आ रहे बाइक सवार ने गले से मंगलसूत्र छीनकर भाग गया। इस घटना के आधार पर महिला द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई। तहकीकात के दौरान पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी के माध्यम से और गुप्त जानकारी से आरोपी को ढूंढकर हिरासत में लिया। पोजिशन बेलतरोड हद्दीत मार्च पासून चेन स्नॅचिंग के गुन्ह्यामध्ये वाढ झालेली होती। त्याच्यामुळे आम्ही सीसीटीवी सीओसीचे कॅमेरे याच्या मार्फत आरोपीचा शोध घेतला। आम्हाला त्याच्यात 50 ते 100 सीसीटीव्ही फुटेज सीओसी कॅमेरे चेक करावं लागलं। त्याच्यात आम्ही एक आरोपी आकाश इरपाते याला अटक केली आहे। त्याच्याकडून पोलीस स्टेशन बजाजनगर तसेच बेलतरोडीचे 5 चेन स्नॅचिंगचे गुन्हे तसेच हुडकेश्वर नंदनवन आणि लकडगण येथील वाहन चोरीचे 5 गुन्हे असे एकूण 10 गुन्हे उघडकीस आणलेले आहेत आणि याच्यात 6,51,000 माल जप्त करण्यात आला। आधीसुद्धा आकाश इरपातेवर चेन स्नॅचिंगचे गुन्हे दाखल होते आणि याच्यावर 10 ते 15 गुन्हे दाखल आहेत आधीचे आणि हे गुन्हे असे एकूण 20 ते 25 गुन्हे दाखल आहेत। आणि हा चेन स्नॅचिंगमध्ये एक तास चेन स्नॅचिंग करतो आणि वाहन चोरतो, वाहन चोरी केल्यानंतर त्यांनी चेन स्नॅचिंग करतो। आणखी आरोपी आहे की नाही त्याचा शोध चालू आहे, तपास चालू आहे। 26 पर्यंत PCR आहे आरोपीचा। आकाश के नाम पर अभी तक चेन स्नैचिंग और बाइक चोरी के अलग अलग पुलिस स्टेशन में करीब 10 अपराध दर्ज है। आकाश चेन स्नैचिंग करने के लिए चोरी की बाइक का इस्तेमाल करता था। उसके नाम पर अभी तक 5 चेन स्नैचिंग और 5 बाइक चोरी के अपराध दर्ज है। आरोपी के पास से 5 सोने की चेन, 5 हीरो होंडा बाइक समेत कुल 6,51,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त विवेक मसाल के मार्गदर्शन में हुई। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोपरागड़े के साथ दीपिका धनेश्वर, NBCN न्यूज नागपुर।